हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे यार सभी लोग। हाँ जी तभी जी, कैसे हो यार सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ भाई साहब तगड़े से सर्वाइवल गेम्स के बारे में। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 सर्वाइवल गेम्स जो कि आप लोग अपने रॉयल रॉयल जो ऐसे इस पर खेलने वाले हो और मज़े करने वाले हो ज़िंदगी के। तो भैया जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि अच्छा तो लग ही जाएगा। और चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना। तो भैया आप सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि शुरू करने वाले हम आज का वीडियो। नंबर वन पर निकल के आता है हमारे पास लॉस्ट इन ब्लू। अब भैया ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तगड़ा वाला सर्वाइवल गेम होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ही दिक्कत देखने को मिलेगी और वो है इसका कैमरा एंगल। हाँ जी आप लोग सही समझे, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ड्रोन व्यू कैमरा एंगल, जो कि आप लोगों को शायद से पसंद ना आए या आप लोगों को अच्छा ना लगे। लेकिन बाकी अगर गेम आप लोग खेलोगे तो गेम काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। गेम की स्टोरी ये है कि आप लोग एक प्लेन पे जा रहे थे और वो प्लेन अचानक से क्रैश कर गया है, और अब आप लोग एक ऐसे आइलैंड पे लैंड कर गए हो, बल्कि क्रैश हो गए हो, जहाँ पे जॉम्बीज हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को बचाना है, जॉम्बीज को मारना है, चीज़ें गैदर करनी है और सर्वाइव करना है। आप लोग यहाँ पे मेल फीमेल दोनों करेक्टर हैं, जिसको चाहो चूज कर सकते हो। गेम का साइज होगा 400 MB और ऑनलाइन तो रहेगा ही ये गेम। अब नंबर सेकंड के इस गेम का नाम है दोस्तों ZOZ फाइनल आर। अब मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि ये गेम अभी रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन के लिए चल रहा है ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे, तो आप लोग जाके वहाँ पे प्री रजिस्टर कर सकते हो। अब भैया ये गेम काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है भाई साहब एक जॉम्बी एपोकलिप्टिक इन्वायरमेंट का, जहाँ पे भाई साहब आप लोग सर्वाइवलिस्ट हो या आप लोग जॉम्बी भी बन सकते हो। तो अगर आप लोग जॉम्बी बने हो तो आप लोगों के कमर पे यानी कि बैक पे एक क्रिस्टल होगा, आप लोगों ने बाकी के सारे सर्वाइवर जो हैं उनको वो क्रिस्टल लेने से रोकना है और उनको भी जॉम्बी बनाना है। और अगर आप लोग सर्वाइवल हो तो आप लोगों ने वो सारे के सारे रेड स्टोन कलेक्ट करने हैं जो कि जॉम्बीज की कमर पे हैं। तो भैया काफ़ी ज़्यादा अच्छा तगड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। अनरियल इंजन में बना हुआ ये गेम, तो आप लोगों को काफ़ी तगड़े ग्राफिक्स तो प्रोवाइड कराता ही है, और भैया बिल्कुल ऐसे पीसी कंसोल का गेम लगता है। गेम का साइज यहाँ पे रहेगा दोस्तों पूरा का पूरा 2.2 GB, और ऑनलाइन तो ये भी गेम रहेगा ही। अब भैया नंबर थर्ड का इस गेम का नाम है जस्ट सर्वाइव। अब भैया गेम के नाम में ही आ गया जस्ट सर्वाइव, तो आप लोगों को सर्वाइव तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब गेम में कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा रहने वाला है कि आप लोग एक ऐसे डेजर्ट में फंस गए हो जहाँ पे भाई साहब आप लोगों को सर्वाइव करना है। अब आप लोगों के पास भाई कुछ भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ कुल्हाड़ी सी चीज़ है जिसको आप लोग यूज़ करते हो, और भैया दरख्त वरख्त काटते हो, और जैसे ही आप लोग गेम आगे चल आते जाते हो यानी कि गेम में आगे बढ़ते रहते हो, आप लोग शेल्टर भी बनाते हो अपने लिए, आप लोगों को डिफरेंट एनिमीज भी देखने को मिल जाते हैं, यानी भालू वालू भी देखने को मिलते हैं, जॉम्बीज भी देखने को मिलते हैं, और आप लोगों ने शिकार करना है और ज़िंदा रहना है। और भैया उस हार्श एनवायरनमेंट में एक एक सेकंड भी जिंदा रहना है एक भैया बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। गेम का साइज यहाँ पे रहेगा पूरा का पूरा 90 MB, और ऑफलाइन तो रहेगा ये गेम। तो भैया अब निकल के आता है अपने लिस्ट का नंबर फोर्थ का गेम, जो गया है लाइफ आफ्टर। हाँ जी अब भैया जी यहाँ पे ये गेम जो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉपुलर होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये गेम नहीं खेला तो भैया क्यों एक दफ़ा इस गेम को ट्राई तो करो, ना पसंद आया तो फिर कहना। यहाँ पे गेम में हाई ग्राफिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसी के साथ में आप लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, सर्वाइवल आप लोगों ने करना है और ज़ॉम्बीज को मारना है। हाँ जी तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वाला मोड भी देखने को मिलेगा। तो भैया आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलमिल के खेलो गेम और गेम में आगे बढ़ते ही चले जाओ। गेम का साइज यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, यानी कि 6.7 GB के राउंड अबाउट ये गेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, और गेम ऑनलाइन रहेगा। अब भैया नंबर फिफ्थ का ये जो गेम है इसका नाम है लास्ट डे ऑन अर्थ। अब भैया गेम का नाम ही इतना ज़्यादा तगड़ा है कि आप लोगों को सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा इस गेम में, क्योंकि भैया आखिरी दिन है अर्थ पे आपका। हाँ जी तो यहाँ पे आप लोगों को कैमरा एंगल वही ड्रोन व्यू देखने को मिलेगा, लेकिन भैया काफ़ी ज़्यादा अच्छी तगड़ी वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। ऐसा कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि भैया एक अननोन सा वायरस आ चुका है और उसने सारे लोगों को ज़ॉम्बीज बना दिया है, और आप लोग जो वो भैया अकेले बच गए हो, थोड़े से सर्वाइवर हैं आपके साथ जो कि भैया मिलकर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी गेम का काफ़ी अच्छा है, गेम का साइज भी रहने वाला है छोटा सा, यानी कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ देखने को मिल जाएगा ये गेम 400 MB के राउंड अबाउट पर, गेम ऑनलाइन रहेगा। अब भैया नंबर सिक्स का ये जो गेम है इसका नाम है एपिक क्राफ्ट फाइटिंग। और भैया मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम लगता है। अब गेम में आप लोगों को एनिमेटेड स्टाइल के ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन भैया बहुत ज़्यादा वो एडिक्टिव और एक अच्छा स्टाइल है गेम खेलने का। बाकी गेम में आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऐसा देखने को मिलेगा, आप लोग मिडल ऑफ द ओशन यानी कि बिल्कुल
समंदर के बीचों बीच फेंक दिए गए हो, और भैया आप लोगों को वहाँ पे चीज़ें वीज़ें ऐसे इधर उधर से आ रही हैं, तो आप लोगों ने वो गैदर करनी है और भैया अपने लिए एक बेस भी बनानी है, सर्वाइव भी करना है और जिंदा भी रहना है और गेम में भी आगे बढ़ना है। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों पूरा का पूरा 87 MB और गेम फिर भी ऑफलाइन रहेगा। तो भैया छोटा सा गेम है, ऊपर से ऑफलाइन है, तो और क्या ही चाहिए इस गेम से। अब भैया इस गेम का नाम होने वाला है रेडिएशन आइलैंड। अब भैया यहाँ पे आप लोगों को जो देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है और आप लोग कह सकते हो बाकी गेम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब भैया इस गेम में कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है कि आप लोग फेंक दिए गए हो एक पैरेलल यूनिवर्स में, यानी कि आप लोग एक पैरेलल वर्ल्ड में फेंक दिए गए हो, यानी असली दुनिया नहीं है वो, और आप लोगों को वहाँ पे भैया सिर्फ ज़ॉम्बीज वॉम्बीज देखने को मिल रहे हैं और आप लोग अकेले ही हो, यानी कि आप अकेले वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो। और आप लोगों ने भैया एक टाइम लिमिट दिया गया है, अगर आप लोग उसमें सर्वाइव करके वापस ना आ सके असली दुनिया में, तो आप लोग हमेशा के लिए उस पैरेलल वर्ल्ड में फंस जाओगे। तो भैया आप लोगों को जल्दी से सर्वाइव करना है और भैया टास्क वास्क कंप्लीट करने हैं ताकि आप लोग वापस दुनिया में आ सको। बाकी गेम ओपन वर्ल्ड रहेगा और भैया बहुत ज़्यादा अच्छे मैकेनिक्स भी हैं और तगड़े ग्राफिक्स हैं। गेम का साइज़ है 1.9 GB, यानी कि ऑलमोस्ट 2 GB का राउंड अबाउट गेम देखने को आपको मिलेगा और गेम ऑफलाइन रहेगा। अब भैया थर्ड लास्ट का ये गेम हमारे पास निकल के आता है फेडिंग सिटी। हाँ भैया प्री रजिस्ट्रेशन में चलने वाला ये गेम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि लोगों ने इसका भैया जो अल्फा टेस्ट होता है और बीटा टेस्ट होता है वो खेला था, और भैया अर्ली एक्सेस में ये गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत तगड़ा चला था। अगर आप लोगों ने ये गेम नहीं खेला, यानी आप लोगों ने इसके बीटा टेस्टिंग नहीं की, तो भैया बहुत ही जल्दी ये गेम रिलीज़ हो जाएगा। और भैया इनसाइडर्स का ऐसा कहना है कि इसी साल के सितंबर वगैरह में ये गेम लॉन्च कर दिया जाएगा। तो भैया अगर अभी तक आप लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जाके जल्दी से प्री रजिस्ट्रेशन कर लो। गेम काफ़ी तगड़ा है, हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, और भैया लास्ट ऑफ अस 2 या लास्ट ऑफ अस 1 आप लोग कह सकते हो, उस टाइप का सारा गेम का कॉन्सेप्ट है और भैया तगड़ा गेम है। गेम का साइज रहने वाला है यहाँ पे 5.8 GB और ऑनलाइन तो रहेगा ये गेम। अब भैया नंबर 9 के इस गेम का नाम है लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल अननोन 15 डेज। अब भैया इस गेम में दो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, एक तो सर्वाइवल का तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट होने वाला है बैटल रॉयल का। हाँ जी अब भैया जी यहाँ भी आप लोगों को करना है 15 दिनों तक सर्वाइव, साथ साथ आप लोगों ने भैया बाकी सारे प्लेयर्स को एलिमिनेट भी करना है, और जो प्लेयर 15 दिन तक सर्वाइव कर गया वही गेम को जीतेगा। अब भैया है ना मजे का कॉन्सेप्ट। अब भैया यहाँ पे आप लोगों ने हर चीज़ गैदर करनी है, क्राफ्ट करनी है, हंट करना है, और भैया दूसरे प्लेयर से भी बचना है और उनको मारना भी है। तो भैया गेम काफ़ी ज़्यादा तगड़ा और अच्छा है, और गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला पूरा का पूरा 1.8 GB और ऑनलाइन तो भैया रहेगा ही, क्योंकि मल्टीप्लेयर गेम जो है। अब भैया निकल के आता है अपनी लिस्ट का लास्ट या नंबर 10th का गेम जो कि प्रोजेक्ट गाया। हाँ जी भैया जी अब ये गेम जो है अभी अपकमिंग है, यानी कि ये रिलीज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोगों ने इसका अर्ली एक्सेस खेलना है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में जा के देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके वो खेल सकते हो। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला 3.6 GB, गेम ऑनलाइन रहेगा, और भैया अनरियल इंजन में ये गेम बना है और काफी तगड़े वाले ग्राफिक्स हैं कि आप लोगों का दिल खुश कर देंगे। और इसी के साथ में भैया आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी देखने को मिलेगा, तो सर्वाइवल करने का मजा ही आ जाएगा। गेम में अभी काफी सारे बग्स हैं, लैग्स भी आते हैं, और भैया कहीं कहीं गेम फंस भी जाता है, यानी कि रुक जाता है। तो भैया अगर अभी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी गेम बहुत जल्दी रिलीज तो हो ही जाएगा ऑफिशियली। तो भैया पास से ये थे सारे के सारे गेम जो कि आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताए थे। होप तो ये है कि सारे के सारे गेम आप लोगों को पसंद आ गए होंगे। अब पसंद आ गया तो जल्दी से मार दो वीडियो का लाइक, और चैनल पर पहली दफा आए थे तो सब्सक्राइब पे एक मक्का जोर से मार दो। तो बस मेरा नाम है रबीर, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ख्याल, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय यानी गुड। We'll be right back.